लेकिन मनुस्मृति को मानने वाले लोग आज भी उसका अनुसरण करते हैं। जज इतने निकम्मे हो चुके हैं, वो काम नहीं करना चाहते। ये उनकी मानसिकता है, ब्राह्मणता उनके दिमाग में है। खाना नहीं खा सकते। लेकिन सर आपका राष्ट्रपति महिला है ना, आदिवासी। देखिए, आदिवासी महिला होने से या किसी पुरुष के होने से, आदिवासी ना, मैं तो ये कह रहा हूँ, जो सबसे लो कैटेगरी या लो जाति होती हो, आप उसका लेके आ जाइए। लेकिन जब उसको कुछ अधिकार ही ना रहेंगे तो वो कर क्या सकता है। आपने मुझसे सवाल यहाँ पूछे हैं, आप लोगों ने पूछे हैं, तो कोशिश करूंगा। अगर आप मुझे मेरे घर से संबंधित सवाल पूछोगे तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे घर की कोई भी नेगेटिव चीज बाहर ना जाए, मैं बड़े संभालते हुए जवाब दूंगा। इसी तरह अगर बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, संघ के लोगों ने मुर्मू को किसी दबाव कारण यानी कि देश में जब ऐसी स्थिति आई तो उन्होंने सोचा कि किसी महिला को बनाओ, और वो भी ऐसी महिला को बनाओ जो बहुत उस छोर के उस कोने पे की हो, यानी कि या तो आदिवासी चुनो या हिंदू धर्म की सबसे बिल्कुल लास्ट जाति हो उससे बनाओ, ताकि हम ये कह सकें हमने उनको बना दिया। देश को आजादी 75 साल हो गए, लेकिन आज भी कोई दलित सरकारी जो मटका होता है स्कूल में, वहाँ पानी नहीं पी सकता। क्या अभी मनुस्मृति चल रही है क्या देश में? अभी मैंने क्या कहा, मनुस्मृति उस वक्त एक उसके तौर पे जलाई गई थी कि भाई आज के बाद हम इस स्मृति को नहीं मानेंगे। लेकिन मनुस्मृति को मानने वाले लोग आज भी उसका अनुसरण करते हैं। क्या एक पुस्तक जलाने से वो जल गई? वो तो हजार आप छाप लो, अब तो मोबाइल पे आप नेट करके साथ, यहाँ से कैसे जलाओगे? मोबाइल जलाओगे? संविधान से देश चल रहा है ना आजकल, तो संविधान से जल चल रहा है देश। लेकिन यहाँ हर आदमी स्वतंत्र है क्या किस धर्म को मानेगा। लेकिन संविधान में ये भी प्रावधान है कि आप किसी व्यक्ति से अनटचेबल करते हैं, अछूत मानते हैं, तो आप संविधान के दायरे में अपराधी हैं और भारतीय संविधान आपको दंड देगा। लेकिन जो मानसिक स्थिति है वो तो यही बनी रहेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए छत्रपति उन्होंने फूले साहब ने कहा था कि ब्राह्मण का चरित्र जो होता है वो न्यायिक नहीं होता। अब ब्राह्मण चाहे आप उसे दरोगा बना दो, चाहे क्लर्क बना दो, चाहे सिपाही बना दो, चाहे जज बना दो, लेकिन जब उसकी जाति का व्यक्ति सामने होगा तो वो बहुत दूर घेर के बहुत चीजों को मायने में रखते हुए निर्णय देगा। और यही कारण है कि आज SC ST OBC और दलितों और आदिवासियों के जो वो पड़े हुए हैं ना कोर्ट में फैसले, वो आराम से नहीं दिए जाते। जज इतने निकम्मे हो चुके हैं, वो काम नहीं करना चाहते। ये उनकी मानसिकता है, ब्राह्मणता उनके दिमाग में है, मनुस्मृति उनके दिमाग में है। ये नहीं जलाई जा सकती, ये तो सिर्फ मानसिकता ठीक करके ही ठीक की जा सकती है। तो बदलाव कैसे आएगा? बदलाव ये होगा कि जो जिसका बीमार होता है वो उसी की दवाई खाता है। जाति से बीमार SC ST OBC के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, तो जाति का खात्मा OBC के लोगों को करना पड़ेगा। इन्हें साथ उठना होगा, साथ खाना होगा, साथ बैठना होगा, साथ चर्चा करनी होगी। इन चर्चाओं के, खाने पीने के साथ साथ अपनी बेटी लेना देना करना पड़ेगा, वरना इन जातियों की खाई बढ़ती चली जाएगी। संविधान चाहे इससे मजबूत और बना दो, तब भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इनकी खाई इनकी जातियों के कारण ही इतनी है कि ब्राह्मण को कोई कार्य करने की जरूरत ही ना है। ये आपस में ही कर लेते हैं। भंगी चमार से ऊंचा है, चमार यादव से ऊंचा है, यादव किसी और से ऊंचा है, जाट से ऊंचा है, जाट किसी और से ऊंचा है, मतलब सब एक दूसरे को खुश है कि मुझसे नीचे है, मुझसे नीचे है। जब तक ये चीज खत्म नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता। हिंदू राष्ट्र की कल्पना करी जा रही देश में, वो तो अब भी है, अब भी है। हर चीज जातिगत के आधार पर होती है। आपके बच्चों को नंबर भी बड़ी जाति देख के दिए जाते हैं, आप कितने इच्छा इंटरव्यू दे लें। और हम तो ये घोषणा करते हैं कि इंटरव्यू जितने भी इंटरव्यू हो वो सब लाइव हो, दुनिया देखे क्या पूछा जा रहा है, क्या जवाब दे रहा है, तब हो आज। लेकिन सर अभी कोर्ट में लगा है कैमरा, तो जज कह रहे हैं कि कोर्ट से आए हो भारती को पटना में, तो मैं उसका देखिए एग्जांपल आपने दिया है। और बात वही है जो मैं कह रहा हूँ, वो ब्राह्मण मानसिकता है, वो कभी खत्म नहीं होती। मनुस्मृति वो उसका कारण एक ही है। आज तो आप, मैं पूरे देश के लोगों से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जाति तोड़ने का काम करें, अपनी जाति में कभी शादी ना करें, अपने समकालीन जो जाति है उससे शादी करें, इस जाति व्यवस्था को खत्म कर दो। ब्राह्मण तो अल्पजन रह जाएगा, ऑनर किलिंग होती है। नहीं, ऑनर किलिंग नहीं है ये जाति खत्म करने से भाईचारा बनता है। भाईचारा बनने से अपनी शक्ति ज्यादा हो जाएगी, इस देश के आप हुक्मरान रहेंगे और आप सब कुछ कर सकते हैं।
लेकिन आपकी जनसंख्या कितनी बढ़ जाओ, जितनी अब है उसके दुगने भी हो जाओ, अगर आप जाति में बटे रहे तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। आप ना संविधान के दायरे में रह के बात कर सकते हैं, ना संविधान की कोई धारा आप पे लागू हो सकती है, क्योंकि वो जब चाहें जब आप पे एनकाउंटर कर दें, उन्हें क्या है, दो गवाह लगाने, दो सब कुछ करने हैं, क्या कर लोगे आप। लेकिन जाति जाति बड़ा मुद्दा, जाति नहीं जा रही है बात, तो यही जाति रहेगी, जाति की बात को, जाति को खत्म करने के लिए बाबा साहब करके गए। बाबा साहब ने 6000 जातियों को क्या बनाया, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, अब माइनॉरिटी एससी एसटी ओबीसी, तो क्या अब हम चारों को एक नहीं कर सकते, हम उनको बहुजन बना सकते हैं आपस में शादी करके, बस यही काम है, इसके अलावा हम और नहीं कर सकते। खाना खाने से भी नहीं बनेगी, क्योंकि खाना तो आजकल हम खा लेते हैं, इनटचेबल नहीं है, लेकिन जब बेटी देने की बात और लेने की बात आती है तो जाति ही आगे रखी जाती है। तो सबसे पहले जाति को खत्म किया जाएगा और खत्म करने का ही वो है समाधान, इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। जाति खत्म करो और देश के राजा बनो, यही रास्ता है, बाकी और कोई रास्ता नहीं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दलित की लाश सोने दी जातिवादियों ने, देखिए वहाँ आप जाते क्यों, उस संस्कृति को अपनाते क्यों हैं, आप क्यों जाते हैं वहाँ। देखिए जब बाबा साहब हमें बता गए कि हमारा सब कुछ अलग है, हमारा हिंदू से कोई भी लेना देना, दूर तक की रिश्तेदारी बिल्कुल भी नहीं है, तो आप उसकी संस्कृति को क्यों चुराते हैं, आप उसके घर में क्यों जाते हैं, आप दो बीघा जमीन लेके क्या अपने शमशान नहीं बना सकते, अपने शमशान भी नहीं है इनके, तो भाई साहब सब चीज हो सकती है, सब चीज हो सकती है, लेकिन मानसिकता को बदल लो, सब चीज हो जाएगी। आप जाति तोड़ने की बात करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जब जाति बनी रहेगी तो जाटवों के अलग, खटीकों के अलग, और रेगरों के अलग, धानकों के अलग, एसियों के ही, मतलब जाति यही छोड़े, ऊपर वाले ना छोड़े जाति, नहीं ऊपर वाला क्यों छोड़ेगा, उसकी जाति शुरुआत होती है ना, ऊपर की जो जाति है वो तो ऊंची है ही, उन्हें कोई उस बात से दर्द है नहीं, उसे दर्द है नहीं। आप जब किसी को कोई कहता है पंडित जी आओ, तो वो तो खुश होता है, देखो जाति से बुलाया, पंडित जी बुलाया। आपको कह लेंगे चमार जी आओ, तो आपको कैसे लगेगा, जब तुम्हें दर्द होगा तो तुम्हें ही छोड़नी पड़ेगी, आप उनसे क्यों कर रहे हो, जब बीमार आप हैं, जाति से ग्रस्त आप हैं, जाति की मानसिकता दूषित आपके अंदर है कि हमें बुरा लगता है जाति के बुलाता है, तो आप छोड़ो ना। लेकिन वो क्यों छोड़े, आरक्षण कैसे मिलेगा जाति छोड़ देंगे तो, कौन कह रहा है जाति छोड़ने से आरक्षण नहीं मिलेगा, जाति छोड़ने से कोई आरक्षण खत्म नहीं होता, उसके अधिकार पे इतना सा भी, इतना सा तो क्या बाल के बराबर भी उसके अधिकार मंत्री पद चला गया, वो राजनीतिक है, वो केजरीवाल की पार्टी के, केजरीवाल किसी को रखे ना, तो केजरीवाल के पास बहुत सारे और ऐसी नेता है ना, उन्होंने एक को छोड़ा दूसरे को छोड़ देंगे तब और मिल जाएंगे, उन्हें तो बाल्मी तक मिल जाएंगे, उन्हें खटीक तक मिल जाएंगे, उन्हें रगर तक मिल जाएंगे, लेकिन जाति छोड़ो ना। अब अगर उनमें एकता होती, कहते हम बहुजन है, हमारी कोई जाति नहीं है, तो वो ऐसी बात मानते ही नहीं, छोड़ते नहीं, और सारे एक साथ छोड़ते, कभी हमारे भाई से लिया है, कल को तुम हमसे लोगे, इसलिए हम सारे ही छोड़ रहे हैं, हम तुम्हारी पार्टी छोड़ रहे हैं, तब तो बात बनती।